अब कुछ और फॉर्मूले की जरूरत थी इन्हें, इन्होंने गलती कर दी है कि केरला फाइल। एक बात और काजमी साहब, फिर मैं अपनी बात को रोक रहा हूँ, वो ये कि आप देखिए एक तरफ कश्मीर पे बनती है और दूसरी तरफ टिप केरला पे बनती है। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि केरला पे क्यों, केरला पे इसलिए कि वहां पर किसी भी सूरत से आरएसएस को, बीजेपी को, बजरंग दल को, इनको एंट्री नहीं मिल रही। झूठ पर आधारित तो है ही, जो कुछ मैंने पढ़ा इसके बारे में उससे ये साफ जाहिर है। और सीपीएम ने, कांग्रेस ने, उनके नेताओं ने और वहां के रिलीजियस लीडर्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों शामिल, ये कितनी गंदी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि 25,000 लड़कियां, 32,000 लड़कियां जो हैं वो ऐसी थी जिनका अपना कोई दिमाग नहीं था, वो एक नजर मुसलमान लड़के ने देखा उनकी तरफ, वही प्रॉपर्टी वाला जो फॉर्मूला है वही है यहां कि औरत एक प्रॉपर्टी है, हिंदू लड़की जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी है तो दिमाग होगा नहीं, और मुसलमान लड़की की तरफ एक नजर डाली और वो दाइश तक जाने को तैयार है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। भारतीय जनता पार्टी सरकार और आरएसएस किस तरह से मुल्क को हैंडल कर रही है, किस तरह से सरकार चला रही है, किस तरह से इलेक्शंस जीतने की तैयारियां हैं, जीतने की कोशिशें हैं, ये मुख्तलिफ चीजों को देख करके अंदाज होता है। अब तक जो मीडिया के बारे में, जो गोदी मीडिया का जो नैरेटिव बना है, जो हकीकत है वो ये है कि टेलीविजन और अखबारात को सरकार ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब मीडिया एक कदम और आगे कंट्रोल किया जा रहा है, वो है फिल्मों के तौर पर। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, कश्मीर फाइल्स, उसमें कितनी नफरत थी वो हमने, आपने देखा, और सरकार ने खूब उसको प्रमोट किया। बाकायदा सरकारी जो नौकर हैं उनको कहा कि आप छुट्टी लेकर के जाओ, टिकट के पैसे भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है केरला स्टोरी। उसमें ये बताया गया है कि हिंदू लड़कियों को इस्लाम मजहब में लाया जाता है जबरदस्ती, या जिसे जिसे लव जिहाद कहा जाता है, कि मुसलमान लड़के लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से प्यार का ढोंग रचते हैं और उसके बाद उनको इस्लाम में लाते हैं। और फिर उसके बाद इससे आगे की बड़ी कहानी है वो ये कि अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, उन मुल्कों में उन्हें भेजा जाता है। हमने, आपने मीडिया में वो खबरें देखी हैं कि वहाँ दाइश अपने स्लेव्स के तौर पर, कुछ घंटों की शादियों के तौर पर भी वहाँ लड़कियों का इस्तेमाल हुआ है। यूरोप और अमेरिका से लड़कियां वहां आई थी, ऐसी रिपोर्टें हमने देखी हैं। अब यह कहने की कोशिश है कि भारत की लड़कियां भी वहां भेजी जाती रही हैं। आखिर क्या कुछ है, क्या कहना चाहते हैं? 2024 इलेक्शन नजदीक है, इस वक्त कर्नाटका का इलेक्शन हो रहा है, इसके इस इलेक्शन के और लोकसभा इलेक्शन के बीच में कम अज कम तकरीबन 10 स्टेट्स के इलेक्शन होने हैं। क्या कुछ है, बीजेपी क्या कुछ चाहती है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं गौहर रजा साहब, जो जाने माने साइंसदान हैं। उन्होंने कई फिल्में की हैं, बहुत ही हिस्टोरिक फिल्में, जिनमें शहीद भगत सिंह के सिलसिले में इनकलाब और एक जुनू के बढ़ते कदम, वो भी बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी। इसके अलावा एक खूबसूरत जहाज जो न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ एक फिल्म थी, उसे बाकायदा लोगों को लोग देखते हैं दिलचस्पी के साथ, एक जुल्मतों के दौर में, ये इस किस्म की तारीखी फिल्में। और गुजरात में जो 2002 में हुआ, गौहर रजा सबसे पहले फिल्म मेकर थे जो वहां डॉक्यूमेंट करने गए थे। कई जगह जान को खतरा हुआ, ऐसा भी हुआ कि अगर वहां एक दो घंटा रुकते तो शायद बड़ा हमला हो जाता। ऐसी सूरत में ऐसी चीजें जो आदमी
ग्राउंड पर जाकर के डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बनाने वाला है, वो क्या कहता है इस फिल्म के बारे में? जनाब गौहर राजा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी साहब, आप ये बताइए कि ये बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे देते हैं, केरला स्टोरी जो है उसे आप कैसे देख रहे हैं? मुझे अंदाज है कि आप इस पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या है? पहली बात तो ये कि गाजवी साहब, मैं अगर अंग्रेजी में कहूं तो आई रिफ्यूज टू सी सच फिल्म्स। वजह ये नहीं है कि ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, वजह यह है कि मैं समझता हूं कि फिल्म की अच्छाई बुराई के पैमाने दो तरह से देखे जाने चाहिए। एक तो वो फिल्म कैसी बनाई है, डायरेक्शन कैसा है, म्यूजिक कैसी है, डायलॉग कैसे हैं, एक्टिंग कैसी है, स्टोरी लाइन कैसी है, वगैरह वगैरह। ये तो एक फिल्म ये टेक्निकल चीजें हैं सारी जो हम देखते ही हैं, किसी किताब के बारे में, किसी नज्म के बारे में, किसी गाने के बारे में, म्यूजिक के, आर्ट के, किसी भी चीज के बारे में हम ये सोचते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल में ये बात होती है कि वो कलाकृति, वो जो शाहकार आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। अगर मकसद बुरा है तो मैं उस चीज को, कितनी भी अच्छी तरह से फिल्माई गई हो, कितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, कितने भी अच्छे गाने हो उसके अंदर, उसे देखना पसंद नहीं करूंगा, उसको मैं रिजेक्ट करता हूं। और ये सोच करके इस फिल्म को देखना कि चलिए साहब हम क्रिटिसाइज करने के लिए तो देखना ही चाहिए, ये आर्गुमेंट मुझे हमेशा गलत लगा है, बेकार लगा है। क्योंकि क्रिटिसाइज करने के लिए उसका मकसद देखना काफी है। तो ये जो केरला फिल्म है, ये आपने जो शुरू में बात कही, उस पैमाने पर बिल्कुल पूरी तरह से उतरती है। यानी मुल्क में नफरत फैलाने के लिए जिस तरह मीडिया को कंट्रोल किया गया है और जिस तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उस एजेंडा का हिस्सा है। आरएसएस ने पहले फिल्म इंडस्ट्री को डायरेक्टली डराने की कोशिश की, उनकी सरकार ने कहीं किसी को बंद कर दिया, कहीं किसी को पकड़ लिया, किसी के बेटे को के ऊपर इल्जाम लगा दिया, या उनको कहना शुरू कर दिया कि ये तो देखिए साहब देशद्रोही हैं, ये कह रहे हैं कि ये मुल्क में हिफाजत अब महसूस नहीं होती, हमको हम महफूज में नहीं महसूस करते हैं, वगैरह वगैरह। पहला फेज वो था, वो फेज खत्म हो चुका, उसकी अब जरूरत नहीं है। अब सीधे ही वीएचपी बजरंग दल के लोगों को सड़कों पर उतार दिया जाता है कि वो फिल्म हॉल के ऊपर अटैक करें। ये दूसरा फेज था जो अभी भी चल रहा है, यानी फिल्म के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतारना कि हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे, ये हम किसी को नहीं देखने देंगे। अब तीसरा फेज है जब फिल्म इंडस्ट्री डर गई पूरी तरह से, और जो 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 बात अक्सर कही जाती है कि फिल्म जो है वो बहुत ही बाअसर मीडियम है कम्युनिकेशन का, यानी मीडिया का एक ऐसा ये चैनल है जो लोगों के जहन पर, और खासतौर से यंग लोगों के जहन पर बेहद गहरा असर करती है, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी था। तो तीसरा फेज ये है कि अब ऐसी फिल्में बनाने के ऊपर लोगों को मजबूर किया जाए। वो मजबूर करना दो तरह से होता है, एक तो ये कि आप पैसा अवेलेबल कर दें, आप ये कोशिश करें कि भाई ऐसी फिल्मों के लिए फंड्स हैं और ऐसी फिल्मों के लिए फंड्स नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहें कि ये फिल्म नेशनल है और ये फिल्म एंटी नेशनल है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप एक फॉर्मूला दे दें कि इस तरह की फिल्में बनाओगे तो वो चलेंगी, और इस तरह की फिल्म बनाओगे तो हम चलने नहीं देंगे, उसी तरह की बनाओगे तो हम चलने ही नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये तीसरा फेज में आरएसएस पहुंच चुकी है मीडिया को कंट्रोल करने के सिलसिले में। अब वहां पर ऐसे लोग पैदा किए जा रहे हैं जिनको ये मालूम है कि फिल्म बैन कर दी जाएगी, फिल्म के ऊपर अटैक हो जाएगा, किसी इलाके में देखने नहीं देंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तीसरे फेज में यह है कि यह फॉर्मूला है कि तुम कश्मीर फाइल्स बनाओ या केरला स्टोरी बनाओ तो ना सिर्फ हम चलाएंगे बल्कि हम उसकी पब्लिसिटी भी करेंगे, हम सरकारी, जैसा आपने कहा,
कि सरकारी अफसरों से ये भी कहेंगे कि तुम जाओ और देखो। हम स्कूलों को प्रेशराइज करेंगे कि जाओ देखो इसे, हम माफ कर देंगे टैक्स वगैरह वगैरह, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जाहिर है कि तोड़ फोड़ करेंगे वगैरह, वो सिलसिला अलग है। तो ये मुझे लगता है कि मैं जिसको कहता हूं कि फिल्मकार जो हैं और खासतौर से प्रोड्यूसर जो होते हैं, उनका मकसद फिल्म चलाने से असल में ये होता है कि वो पैसा कमा सके, तो प्रॉफिट मोटिव में फिल्म बनाई जाती है। ये सारी कलाकारी जो है वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमाने के लिए की जाती है। ऐसे हालात में पहले जमाने में एक फॉर्मूला हुआ करता था कि लव स्टोरी है, उसमें एक विलन ऐसा है जो मुनीम हो सकता है, अच्छे खून वाला बेटा कहीं चला गया, बुरे खून वाला उसकी जगह ले लेता है, यानी वो कास्ट इस पूरे स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करते हुए फॉर्मूला बनाया गया, और आखिर में वो अच्छे खून वाला जो है उसकी जीत हो जाती है, कहानी में मोड़ आता है और विलन जो है जो खराब खून वाला था उसके साथ मुनीम मिलकर के जो षड्यंत्र रच रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, वो खुल जाती है और हीरोइन जो है वो हीरो को मिल जाती है। फिर उसके बाद फैमिली फोटो हो करके फिल्म खत्म हो गई। फिर एक दौर आया जो एंग्री यंग मैन का था, जिसमें गलियों से उठा हुआ एक गरीब लड़का, वो बहुत खफा है, और एक हीरोइन है जो शायद बड़े अमीर खानदान की है, वो उसके साथ इश्क शुरू होता है, फिर विलन की एंट्री होती है, फिर विलन की एंट्री के साथ साथ ट्रायंगल बनता है एक, जिसमें अच्छा कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है एक दोनों में से, फिर दोनों कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी औरत जो है वो ऑब्जेक्ट है और तुम ले लो या तुम ले लो के ऊपर बातचीत काफी देर होती है, जिसमें औरत का अपना कोई रोल नहीं सिलेक्ट करने में। और फिर जो लड़का उठा था एंग्री यंग मैन, उसकी जीत हो जाती है और आखिर में वो मर भी सकता है, ये भी है कि वो बहुत बुरी कंडीशन में सारी कुर्बानियां देने के बाद वो अच्छा भी हो जाता है और मर भी जाता है। ये फॉर्मूला था जो बहुत सारी फिल्मों में अपनाया गया। इसमें यह था कि पैसा वापिस जरूर आएगा, पर एक बार दो बार तीन बार जब आप फॉर्मूला फिल्म कर चुके होते हैं तो चौथी बार फिर नए फॉर्मूले की जरूरत होती है। आज के दौर का जो फॉर्मूला आरएसएस ने दिया है फिल्म इंडस्ट्री को और वो थोपा गया है, उसमें मुसलमान विलन है, हिंदू औरत जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपना कोई जहन नहीं, कोई दिमाग नहीं है, वो कभी भी फंसाई जा सकती है, और जब वो फंस जाती है तो उसके कितने बुरे हालात होते हैं, यानी हिंदुओं के ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है और उनकी प्रॉपर्टी, चाहे वो मुल्क हो, खेत हो, घर हो या औरत हो, वो प्रॉपर्टी के ऊपर मुसलमान हमला कर रहे हैं। इसके लिए ग्राउंड्स अगर प्रिपेयर करनी थी उन्हें तो वो ग्राउंड्स हमें को मिल जाती हैं, हमको गुजरात के एक्सपेरिमेंट, वहां एग्जैक्टली इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए 2002 से पहले, जिसमें मोटरसाइकिल के ऊपर एक मुसलमान लड़का है और वो एक हिंदू लड़की को इश्क में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और ये पैम्फलेट बांटे गए लगातार। तो ये नफरत का एक्सपेरिमेंट वहां किया जा चुका था, जो अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इंटू अ फॉर्मूला फिल्म जो फिल्म इंडस्ट्री में हमें दिखाई दे रहा है। आप अगर इस बीच की ज्यादातर फिल्में देखें तो इसी फॉर्मूले पे आसपास घूमती हुई आपको दिखाई देती है, सिवाय वो शाहरुख खान की फिल्म, मुझे याद नहीं है उसका नाम, जो भी थी वो वहां से हटके एक घटिया सी फिल्म है, लेकिन आम जनता ने जिस तरह से शाहरुख खान की उस फिल्म को देखा जा करके और उस पर डांस किया और हॉल्स में उसको बॉक्स ऑफिस बना दिया, वो एक प्रोटेस्ट था आम जनता का कि हम इस फॉर्मूले के खिलाफ। वो फिल्म अगर आप देखें वो घटिया फिल्म है, मैं मुझसे अगर आप पूछे तो बहुत घटिया फिल्म है,
वो सिर्फ और सिर्फ अकेली वजह उसके सक्सेसफुल होने की, उसके बॉक्स ऑफिस होने की अकेली वजह ये थी कि अवाम, नौजवान इस मुल्क का प्रोटेस्ट कर रहा था कि हमको कश्मीर फाइल जैसी फिल्म्स नहीं देखनी, हम उस नफरत के खिलाफ खड़े, और अगर शाहरुख खान फिल्म बना रहे हैं तो हम वो देखने जरूर जाएंगे। अब जो ये फिल्म बनाई है, मैं समझता हूं ये चलेगी नहीं, और उसकी वजह यह है कि जब आप बहुत ज्यादा नफरत से भरी हुई चीजें बनाते हैं और बिल्कुल पॉलिटिकल पर्दा हट जाता है और सबको दिखाई देने लगता है, तो वो जादू एक बार सर चढ़ के बोलता है, दूसरी बार नहीं बोलता। अब कुछ और फॉर्मूले की जरूरत थी इन्हें, इन्होंने गलती कर दी है कि केरला फाइल। एक बात और कादमी साहब, फिर मैं अपनी बात को रोक रहा हूं, वो ये कि आप देखिए, एक तरफ कश्मीर पे बनती है और दूसरी तरफ टिप केरला पे बनती है। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि केरला पे क्यों, केरला पे इसलिए कि वहां पर किसी भी सूरत से आरएसएस को, बीजेपी को, बजरंग दल को, इनको एंट्री नहीं मिल रही। इन्होंने शबरीमाला वाला जो किस्सा था उसको बहुत उछालने की कोशिश की नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल के ऊपर, लेकिन वहां की कांग्रेस भी, मैं कहता हूं कि एक अलग कैरेक्टर रखती है, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट का बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ी लंबी तारीख है केरला की, और वहां कम्युनिस्ट भी हैं, तो कांग्रेस बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती है वहां पर। वो मतलब रूढ़िवादी विचारधारा को धरातल बना के वहां जीत नहीं सकती इलेक्शन, तो उन्हें प्रोग्रेसिव होना पड़ता है। ये नहीं है कि कांग्रेस प्रोग्रेसिव उस तरह से है पूरे मुल्क के अंदर, इनके मुकाबले में तो बहुत प्रोग्रेसिव है, वो तो छोड़ ही दिया जाए अगर कंपेयर कर रहे हैं। तो केरला के ऊपर अटैक के का जो एजेंडा है ये उसका भी हिस्सा है। आरएसएस वाले लगातार ये कहते रहते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा शाखाएं नंबर में केरला में ही चल रही है, उसके बावजूद आज तक पॉलिटिकल एंट्री नहीं हो पाई, खून खराबा करने के बावजूद नहीं हो पाई, तो ये केरला के ऊपर अटैक करने का भी हिस्सा है जी। अच्छा, इस फिल्म को मैं चूंकि बहरहाल जर्नलिस्ट के तौर पर लंबे वक्त से काम कर रहा हूँ, पिछले 2-3-4 साल के अगर अखबारात देखे जाएं तो उसमें हमारी एजेंसियों ने कई बार ये कोशिश की, खुफिया एजेंसियों ने, कि यहाँ एक कहानी चलाई जाए जिसमें आईएसआईएस में हिंदुस्तान के लड़के जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़ लिया गया। अभी तक अदालत की तरफ से कहीं कोई ऐसा सबूत नहीं आया कि भारत के कुछ लड़के वहां गए। खैर, ये तो एजेंसियों की कहानी है। अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी खुफिया एजेंसियां भी फिल्मों को बनवाने में अपने उस नैरेटिव को पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश कर रही हैं? हमें याद रखना चाहिए कि इंडियन मुजाहिदीन की कहानी इन्होंने चलाई थी, और जब पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट ने पूछ लिया कि मुझे आप उनका एड्रेस बताइए, साहब नाम बताइए, एड्रेस बताइए, हम जाके देखते हैं कहाँ है ये, कौन है, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के नाम से गिरफ्तारियां बंद हो गई। अब ये कहानी जो है, ये आईएसआईएल या आईएसआईएस या दाइश जो भी कहा जाए, इस कहानी को यहां और मजबूत करने के लिए, ताकि लोग उसे एक्सेप्ट कर लें, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वो उस अपने नैरेटिव को मजबूत करने की कोई कोशिश है? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल काजमी साहब, आप आरएसएस के दिल का दर्द समझिए। पहला दर्द तो यह है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट को पाकिस्तान मिल गया और उन्होंने जो बर्बादी लगाई, आजादी के साथ बर्बादी लगाई वहां की, वो उनकी उनको छूट थी पूरी। आरएसएस को 70 साल ये आजादी नहीं मिल पाई, ये मुल्क सेक्युलर हो गया। यहां बात हुई लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की, यहां साइंटिफिक टेंपर की बात हुई। तो इनके दिल का दर्द समझिए कि वहां तो मुसलमान को छूट मिल गई, और उस मुसलमान को जो इनके जैसे ख्यालात रखता था, जो ट्यूनेशन थ्योरी की बात कर रहा था, तो इन्हें नहीं मिल पाई छूट, अब छूट मिली है। दूसरा दिल का दर्द समझिए, वो पहला दिल का दर्द तो बहुत गहरा जख्म है जो 70 साल तक इन्होंने भोगा है। दूसरा दर्द समझिए कि मुसलमान रिएक्ट नहीं कर रहा,
भाई मुसलमान पाकिस्तान में जिस तरह से बिहेव करता है, जिस तरह से मुसलमान अफगानिस्तान में बिहेव करता हुआ हमें दिखाई देता है, या और कंट्रीज हैं जिनमें अभी सूडान है, वहां पर जिस तरह से वो वायलेंट है और दिखाई देता है हमको, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रहा है। अब रिएक्ट करे मुसलमान तो इनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तो कहानी बनानी बहुत जरूरी है। अब अगर नहीं रिएक्ट कर रहा नौजवान मुसलमान और वो आप लिंचिंग करते हैं, वो इकट्ठा होके नहीं आता और दो दो हिंदुओं को नहीं मार देता, तो ये इनके इनके दिल का बड़ा दर्द है कि मुसलमान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो वाजपेयी के जमाने में कहानियां जो बनाई गई, पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है, लाल किले पे अटैक हो रहा है, हर हर सड़क के ऊपर टेररिस्ट मिल रहे हैं, वो कहानी का सिलसिला चला, मुसलमान ने फिर भी रिएक्ट नहीं किया। वो अफगानिस्तान दौड़ के नहीं गया कि तालिबान को ज्वाइन कर रहा हूं, वो पाकिस्तान दौड़ के नहीं गया कि मैं तो टेररिस्ट बनना चाहता हूं, वो दाइश के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है मुसलमान। भाई एक दो पागल, चार पागल तो हर कौम में मिलते हैं आपको, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मुसलमानों के बीच में ये बात बिल्कुल साफ और आम है कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमें यहां रहना है, और हमको ज्यादातर मुसलमान 99.9% मुसलमान अमन चैन से रोजी रोटी कमा लेंगे, बस इतना ही हमें चाहिए, तुमसे और कुछ नहीं मांग रहे। ये अमन चैन की जो बात आपने कही, माफ कीजिएगा मैंने बीच में आपको रोका है, अमन चैन की चाहत की वजह से ही वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो यही समझता हूं, लेकिन वो पॉलिटिकली भी कॉन्शियस है। जी, सिर्फ अमन चैन का मामला नहीं है, अमन चैन तो हर एक को चाहिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी में कोई इंसान पैदा होने के साथ साथ शमशीर लेकर के और त्रिशूल लेकर के नहीं दूसरे के ऊपर फिर पड़ता। हर बच्चे को एक जिंदगी चाहिए होती है, हर इंसान को एक जिंदगी चाहिए होती है। ये पॉलिटिक्स है जिसमें आप मजहब को इस्तेमाल करते हैं। अब वो मुसलमान मजहब को मजहब के लिए इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान का, लेकिन वो उसे वायलेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये इनके दिल का बड़ा दर्द है। इसके लिए अगर आपको कहानी बनानी है तो फिर लफ्ज ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे लफ्ज जो मैंने कभी पहले नहीं सुने थे। मैं मुसलमानों के बीच में पला बढ़ा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए कि मुझे यकीन नहीं किसी भी भगवान खुदा के ऊपर या गॉड के ऊपर, तो उसके बावजूद मैं मुसलमान माहौल में तो पढ़ा ही पला बढ़ा हूं, मुझे मालूम, पर मैंने कभी इस तरह के लफ्ज नहीं सुने थे। लफ्ज जिहाद ये क्वाइन किया है आरएसएस ने, लफ्ज जिहाद लफ्ज, या गजवा हिंद, मैंने कभी मुसलमानों के बीच में नहीं सुना था कि कोई गजवे हिंद भी चीज होती है जिसके लिए मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए और हिंदुस्तान को कैप्चर करना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी कोई चीज मैंने कभी कानों में, मैं मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को भी जानता हूं, उनके बीच में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अब सवाल यह है कि मुसलमान इस मुल्क का रिएक्ट नहीं कर रहा तो आप क्या कॉइन करेंगे? आप रोमियो स्क्वाड से लेकर के और फिर लफ्ज जिहाद तक कहेंगे? एक बात खास तौर से सोचिए कभी इसके कि वी आर टेकन अ बैक कि अब हम इसका जवाब कैसे दें, लेकिन जरा सोच के देखिए कि लव जिहाद का ट्रांसलेशन अगर किसी एक जबान में करने की कोशिश करें, लव और जिहाद एक अरबिक का है और एक इंग्लिश का है, अगर इनको किसी एक जबान में करें तो स्ट्रगल फॉर लव तो अंग्रेजी में होगा इसका ट्रांसलेशन, उर्दू में होगा जद्दोजहद, मोहब्बत के लिए जद्दोजहद, हिंदी में होगा इसका ट्रांसलेशन प्रेम के लिए संघर्ष। ये इतना खूबसूरत संघर्ष, अगर कोई संघर्ष है प्रेम के लिए तो वो इतना खूबसूरत है, और मैं समझता हूं कि अगर कोई लिहाज परमिटेड है तो यही लिहाज परमिटेड होना चाहिए कि मोहब्बत के लिए हम स्ट्रगल करें पूरी जिंदगी, हम अमन चैन शांति प्यार मोहब्बत प्रेम के लिए करें, उस
उन दो शब्दों को कितना गंदा बना दिया है। ये आरएसएस की पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि खूबसूरत शब्दों को, खूबसूरत चीजों को किस तरह से गंदा कर दिया जाए। वो फैज की नज्म इतनी खूबसूरत हम देखेंगे, उसे कैसे गंदा बनाया जाए और आवाम के सामने पेश किया जाए, ये है आरएसएस की एक्सपर्टीज जो हमें साफ दिखाई दे रही है इस फिल्म के अंदर। झूठ पर आधारित तो है ही, जो कुछ मैंने पढ़ा इसके बारे में उससे ये साफ जाहिर है। और सीपीएम ने, कांग्रेस ने, उनके नेताओं ने और वहां के रिलीजियस लीडर्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों शामिल हैं, ये कितनी गंदी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि 25,000 लड़कियां, 32,000 लड़कियां जो हैं वो ऐसी थी जिनका अपना कोई दिमाग नहीं था। वो एक नजर मुसलमान लड़के ने देखा उनकी तरफ, वही प्रॉपर्टी वाला जो फॉर्मूला है वही है यहां पर कि औरत एक प्रॉपर्टी है, हिंदू लड़की जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी है तो दिमाग होगा नहीं। और मुसलमान लड़की की तरफ एक नजर डाली और वो दाइश तक जाने को तैयार। ये कहानी, फॉर्मूले की कहानी जो आज के दौर में नफरत फैलाने के लिए, आरएसएस की जिंदगी के लिए जरूरी है, बनाई जा रही है। ये बहुत ही दिलचस्प है। यानी इसमें एक पहलू ये भी है कि 32,000 लड़कियों के पेरेंट्स ने पुलिस में शिकायत नहीं कराई और वो खामोश हो गए। वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि शायद उनके सर पे बोझ था बच्ची और वो चली गई और उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की। खैर, मैं एक चीज बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। जब 1990 की दहाई में, शुरुआत में सोवियत यूनियन गिरा, उसके बाद एडजस्टमेंट हुए मुख्तलिफ मुल्कों के अपनी अपनी पॉलिसीज में। उससे पहले तक भारत हमेशा, जब भी यहाँ कोई वाकया होता था तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। लेकिन जब ये मोड़ आया, नए एडजस्टमेंट हुए, मुझे याद है अच्छी तरह से कि अमेरिकन थिंक टैंक्स में ये बहस शुरू हुई, या बल्कि अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए कि भारत सरकार को, खुफिया एजेंसियों को अमरीकी थिंक टैंक्स ने यह बताया कि होम ग्रोन टेररिज्म है आपके यहां। होम ग्रोन टेररिज्म का लफ्ज पहली बार वहीं से आया था और उसका बेहतरीन स्लीपर सेल। जी जी, स्लीपर सेल तो वो होते जी। होम ग्रोन टेररिज्म का लफ्ज अमरीका के थिंक टैंक से आया, यानी वहां की एजेंसियों के जरिए, और हमारे यहां उसका बेहतरीन ट्रांसलेशन किया गया, इंडियन मुजाहिदीन। उस इंडियन मुजाहिदीन की हवा निकल गई पार्लियामेंट में सवाल उठाते ही। अब ये जो आपने दो चीजें बताई कि लव जिहाद और गजवाए हिंद, मैं अक्सर अपने देखने वालों से कहता हूं, भाई होशियार रहो, ये इसके सिलसिले में ना सोशल मीडिया पर चर्चा करो, अगर आप कुछ कहीं भी कुछ नहीं हो तो देखिए, मुसलसल सर्वेलेंस हो रही है आजकल इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप वो लफ्ज कहीं लिख भी देंगे, चाहे मजाक में ही आप लिख देंगे, तो आपकी गिनती उन लोगों में हो जाएगी कि आप भी उसी तरफ सोच रहे हैं। तो ये मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि होशियारी से रहने की जरूरत है जिस किस्म के हालात हैं। तो अब मैं अब ये समझना चाहता हूं कि ये कश्मीर फाइल्स आ गई, केरला स्टोरी आ गई, लेकिन इस बीच में बीबीसी की एक इंडिया द मोदी क्वेश्चन आई थी, उस पर वावेला दूसरी तरफ हो गई। तो क्या फिल्मों से ही, तेरी फिल्म मेरी फिल्म, मेरी फिल्म तेरी फिल्म, यही सब चलेगा क्या? मुझे ये लग रहा है कि ये भी आरएसएस ये कोना भी नहीं छोड़ना चाहती। वो हर कोने को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस से लेकर के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से लेकर के मामला फिल्म तक का है। वो, उन्हें मालूम है कि अगर कोई भी कोना छोड़ दिया गया तो वो उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे मुल्क में सारी परेशानियों के बावजूद, जैसा मैंने कहा कि कास्टिज्म का एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग री इन्फोर्समेंट था फिल्मों के थ्रू, स्टीरियोटाइपिंग थी अलग अलग वक्तों में, जिस तरह से साउथ इंडियंस का मजाक उड़ाया गया या बाद में सरदारों का, पंजाबियों का मजाक उड़ाया गया, या अब
दौर चला एक लंबा जो अभी भी चल रहा है बिहारियों का मजाक उड़ाने का। तो ये इन कमजोरियों के बावजूद एक सेक्युलरिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट हमारी फिल्मों में था। यानी ये मालूम था परिंदा जैसी फिल्म जब आई कि वायलेंस की एक हद से आगे आप नहीं बढ़ सकते। दूसरा था कि कम्युनलिज्म के ऊपर आप नफरत फैलाने के लिए फिल्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान पे एक फिल्म आई थी, चली भी थी, लेकिन उस पे खफगी थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि ऐसी फिल्में नहीं बनाई जानी चाहिए, एक कंसेंसस था। अब वो कंसेंसस आरएसएस ने तोड़ दिया, डरा के, धमका के, ईडी भेज के, जेल भेज के वो कंसेंसस तोड़। तो आप किस पर फिल्म बना सकते हैं और किस पर नहीं बना सकते हैं ये अब आरएसएस डिसाइड करेगी। उसके बावजूद मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री हो या मीडिया हो, वहां पर कोई ना कोई खड़ा होगा और हाथ उठाएगा और उंगली उठा के कहेगा कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं तो ऐसी फिल्म बनाऊंगा, मैं तो यही स्टोरी लिखूंगा जो सच्चाई पर जिसकी बुनियाद है, मैं तो यही सवाल उठाऊंगा जिस सवाल को आप नहीं उठाने देना चाहते। ये मुल्क बहुत बड़ा है, इसको फैशिस्ट शिकंजे से कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, इसके किसी भी विंग को, किसी भी एरिया को, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक एक कदम आगे बढ़ा करके इन्होंने डार्विनिज्म के ऊपर अटैक करना शुरू किया। पहले सिर्फ स्टेटमेंट आए, अजीब अजीब तरह के स्टेटमेंट आए और फिर डार्विनिज्म को हटा दिया वहां से। पर इस मुल्क के साइंटिस्ट ने रिएक्ट किया, जो खामोशी से अपनी रिसर्च करते रहे थे 70 साल तक, जो कभी पॉलिटिक्स में उस तरह से सीधे नहीं उतर रहे थे, उन लोगों ने रिएक्ट किया। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री भी रिएक्ट करेगी और सलमान खान की फिल्म एक रिएक्शन ही था। आएंगे लोग, रिएक्ट करेंगे और कुछ हद तक कामयाब होंगे ये, क्योंकि स्टेट इनके हाथ में है, पावर इनके हाथ में है, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लोगों को जेल भेज सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि भगत सिंह पैदा नहीं होगा। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि भगत सिंह पैदा नहीं होगा। मुझे एक तजुर्बा याद आया, क्योंकि जर्नलिज्म में बहुत से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सोर्सेज होती हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने की। एक बार का वाकया, मैं सोशल मीडिया पे अपने तजुर्बात भी शेयर करता रहता हूं ताकि लोगों को पता चले कि अंदर कहानी क्या क्या होती रहती है। एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने, जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो इस तलाश में था कि किसी फिल्म राइटर से मेरी मुलाकात कराओ और कुछ फिल्म के आइडियाज मुझे देने हैं। यानी वो जो जिस मुल्क में जिस किस्म के हालात पैदा करना चाहते हैं, वो हत्ता के डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री से भी अपना रابطہ रखते हैं ताकि अपनी मर्जी से कुछ नैरेटिव्स बनाने के लिए भी उन फिल्मों तक एक्सेस उनकी होती है, स्टोरीज तक भी एक्सेस होती है। अब मैं ये समझना चाहता हूं गौहर रजा साहब कि फिल्म 3 घंटे बैठ करके हॉल में बैठ करके जब आदमी देखता है तो वो जो भी उसको जहन में बिठाया जाता है वो बिल्कुल पुख्ता होकर के निकलता है, क्योंकि उसके साथ म्यूजिक, उसके साथ साउंड इफेक्ट्स, उसके साथ जो अजीब अजीब किस्म की चीजें पेश की जाती हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे फिल्म बनने लगी है, जो भी दिमाग में डालना उसी तरह का म्यूजिक आप डाल दीजिए। ऐसी हालत में जब ये बाहर आएगा देख करके तो नफरत तो और बढ़ेगी। क्या इसका क्या मतलब, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे अपने स्कूल का जमाना याद आता है। हमारी क्लास में एक लड़का हुआ करता था, हमारा क्लास फेलो था, और वो लड़का जो है वो बहुत बुरा स्टूडेंट माना जाता था स्कूल में। हमारे साथ ही साथ पास कर लेता था, बस इस हद तक था मामला, पर बहुत गुंडागर्दी ये वो सारी चीजों में लगे रहने वाला लड़का था। हिस्ट्री में के पर्चे में, मुझे याद है 9वीं थी या 10वीं क्लास थी, उसमें अकबर के ऊपर एक सवाल आया और फिर हम लोगों का इम्तिहान हो गया और खत्म हो गया। और उसके बाद जैसे स्कूल का इम्तिहान होता है उसमें कॉपियां दिखाते हैं टीचर्स के, तुमने ये लिखा, तुमने वो लिखा और ये सही था, ये गलत था। उसकी कॉपी जब आई तो उन्होंने पूरा जवाब पढ़ के सुनाया
और वो उसने बहुत लंबा जवाब लिखा। इतना लंबा लिखना उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो बहुत बुरा स्टूडेंट था और वो पूरी कहानी मुगले आजम की कहानी थी। आप ये सोचिए कि एक लड़का जो बुरा स्टूडेंट माना जाता है वो एक बड़ा लंबा सा जवाब दे रहा है और वो पूरी कहानी उसको याद है मुगले आजम की, जो अहिस्टोरिकल है कंप्लीटली, जिसका कोई सवाल से लेना देना नहीं है, पर उसके जहन पे वो कहानी छाई हुई। तो आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि ये स्पेस कम्युनिकेशन की जो है, जिसे हम फिल्म कहते हैं, ये अगर फिल्म हॉल में देखी जाए तो उसकी पहले तैयारी होती है जाने की, फिर आप टिकट खरीदते हैं यानी जेब से खर्चा किया है आपने, फिर वहां उस माहौल में बैठे हैं जिसमें और लोग भी हैं आपके आसपास, वो या तो वाह वाह कर रहे हैं या ताली बजा रहे हैं या खामोशी से देख रहे हैं और बड़े इंटेंस चल रहा है माहौल। तो मुझे याद है कि हमारे दौर में जब फिल्म देकर के बाहर निकलते थे तो लोगों के चलने का अंदाज बदल जाता था। अगर वो राजेश खन्ना की फिल्म देख करके आए हैं या किसी और की फिल्म देखी है, उन्होंने शोले देखी है, तो वो सीढ़ी जब उतर रहे होते थे फिल्म हॉल की तो उनके चलने का अंदाज बदला हुआ होता था। और ये तो है ही, ये तो हम सभी जानते हैं कि फिल्मकारों के जो कपड़े हुआ करते थे वो कपड़े फैशन में आ जाते थे। तो इसकी मार बड़ी लंबी होती है जहन के ऊपर, और इसलिए आरएसएस के लिए ये मीडियम, या आप जैसा आप कह रहे हैं अमेरिकन एजेंसीज के लिए, ये मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम, ये बहुत ज्यादा गहरे तौर पर असरअंदाज करता है जहनियत को। आप हिस्ट्री भूल जाते हैं, आपको फिल्म याद रहती है, मुगले आजम की कहानी याद रहती है, हिस्ट्री की किताब में जो कुछ लिखा था वो याद नहीं रहता, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी नहीं। तो ये स्पेस आरएसएस छोड़ देगी ये यकीन नहीं किया जा सकता, मतलब ये स्पेस उनके लिए बहुत अहम स्पेस है। और मेरे ख्याल में इस तरह की फॉर्मूला फिल्म आती रहेंगी। परेशानी ये है कि जब ऊपर से डंडे से फिल्म बनवाई जाती है, जब एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके क्रिएटिव होने में बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि आप अपने दिल से नहीं बना रहे हैं उस फिल्म को, आप यकीन के साथ नहीं बना रहे हैं उस कहानी को, बल्कि आपसे किसी ने कहा है, आपके ऊपर प्रेशर है, आप इसलिए लिख रहे हैं कि वो फॉर्मूला चल रहा है, तो वो उसकी क्वालिटी हमेशा घटिया होती है बॉक्स ऑफिस। ये बिल्कुल ऐसा ही है गौहर रजा साहब, जैसे जब किसी को बेगुनाह को फंसाती है पुलिस और फिर चार्जशीट लिखती है, उसके बारे में मैं ये कहता हूं कि इन बेवकूफों के पास फिक्शन लिखने वाला भी कोई ढंग का नहीं होता, और उसमें दो पेज की कहानी अगर ठीक से डॉट्स मिलाएं तो डॉट्स नहीं मिलते। तो ये बिल्कुल यही हाल फिल्म बनाने वालों का होता होगा कि कहां से कहानी कहां से जोड़ें, क्या करें, किसको क्या बोलता हुआ बताएं और कहां क्या नतीजा दिखाना है। तो ये बहरहाल बहुत ही मुझे याद आता है कि एक वो बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें पुलिस वालों ने चार्जशीट में ये लिखा था कि ये आदमी संदिग्ध तरीके से चाय पी रहा था, तो जज ने कहा तरीके से चाय कैसे पी जाती है। तो इसमें जब आप 32,000 का आंकड़ा देते हैं तो फिर वो संदिग्ध तरीके से चाय पीने वाला ही मामला हो जाता है। जी 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 बिल्कुल, हर चाय पीने वाले को संदिग्ध किया जा सकता है, लेकिन चाय बेचने वाले को संदिग्ध नहीं किया जाएगा, ऐसे हालात लग रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपसे बात करके हमेशा बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बहुत से तजर्बात मिलते हैं। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि बहरहाल इंटरव्यू के बीच में मैं भी कुछ अपने तजर्बात इसलिए जिक्र कर देता हूं ताकि कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये जो तजर्बे जो जिंदगी भर जर्नलिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड समझ करके कभी नहीं लिखता, कभी नहीं बताता, ये सोशल मीडिया पे मैं लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं अपने कुछ तजर्बात। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।